थोड़ा अलग looking bad या it's really असली मैं ऐसे ही हूँ मैं सेट पे वैसे रहता हूँ इसमें I think it's something that I like a lot yeah why not I'm happy I'm always ready to give poses different poses में अपनी picture खिंचाना flaunt करना अपने आप को इससे बेहतर क्या है seriously okay so आज की शाम क्या कुछ expectations लेकर आएंगे बस we are very excited to be here and पहला इवेंट है News18 और SBD की तरफ से तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट और मेरा नॉमिनेशन भी है सो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बस एक्सपेक्टिंग अ लॉट इरादा तो खैर सबका हो सकता है बट मेरा उम्मीद है कि मिल जाए अच्छा लगेगा मुझे और कुछ नहीं मेरा लुक मेरी एक बहुत ख़ास दोस्त और स्टाइलिस्ट सिल्विया यूजीन ने मुझे स्टाइल किया है एंड मुझे खैर खुद को स्टाइल करना नहीं आता तो आई थिंक शी टोल्ड मी आई एम लुकिंग गुड इन दिस बाकी आप खुद जज कर सकते हो So Gumaan, we all know Pari. She only styled me and she's the designer of this dress also. And I'm really happy that I'm representing Gumaan by Priyanka and Garima right now. And because she's very close to me, so I'm happy. And yes, I really like this dress. It's all frilly and Indian Indo-Western look with after like dhanak se hatke curls lekar apne original walon ke sath khadi hu. So I'm feeling very happy and comfy right now. ऑफ कोर्स मैं मेरे कॉम्प्लीमेंट्स तो पहले आते हुए शुरू हो गए थे कि बहुत खूबसूरत लग रही हैं और ऑफ कोर्स लग तो रही हैं शायद इससे ज़्यादा खूबसूरत मैंने इनको आज तक देखा बहुत बार देखा नहीं हमेशा खूबसूरत लगती हैं आज कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं थैंक यू सो मच एंड ऑब्वियसली मैंने अब्रार को कभी हाईनेक में देखा नहीं है सो दैट वाज अ न्यू ट्रीट फॉर मी टू वॉच एंड लाइक दिस एंड ही इज़ लुकिंग रियली नाइस ग्रूम्ड वेल ग्रूम्ड नहीं परफॉर्मेंसेस तो नहीं बट वी आर गोइंग टू एंजॉय द शो सुपर देखते हैं कैसा रहेगा लुकिंग फॉरवर्ड बिग बॉस हाँ आई सॉ सम एपिसोड्स या रेगुलरली देखने को नहीं मिल पाता है टाइम बट कुछ एपिसोड्स देखे हैं मैंने आई वॉज एक्सपेक्टिंग रश्मि देसाई वो बहुत अच्छा खेल रही थी बट वो बहुत सडनली इविक्ट हो गई और फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं बट अग्रेसिव बहुत हो रहे हैं तो लेट्स सी क्या होता है अभी तो मुझे उनका गेम अच्छा लग रहा था उनका और इवन मुझे आसम का भी अच्छा लग रहा है लेट्स सी मेरा फेवरेट तो रश्मि थी वो इविक्ट हो गई सो लेट्स सी क्या होता है हू विंस बिग बॉस वो जो संजय दत्त जैसे हिंदुस्तानी भाव ही इज़ वेरी एंटरटेनिंग वीडियोस देखे मैंने उनके ऑनलाइन काफ़ी हाँ मैंने नहीं देखे बहुत अच्छा एंटरटेनिंग लग रहे हैं वो मुझे लगता है कुछ कमाल तो ज़रूर करेंगे वो शो में I don't have any opinion regarding that, but I don't know. Channel ने उसको choose किया है तो we can't say anything about that. But सही है, he's an entertaining guy वो तो है. हाँ, depend करता है कि वो. And maybe because see online is a altogether different story. वो जो platform है वहाँ पर आप अपना बात कर सकते हो. You can talk to people directly. When you're on television, though, you have to abide by certain rules and regulation and if he does that then it's fine and if he's able to entertain people then it's good I agree to that. And if you talk about eligibility, so yes, he's not. अगर आप you know that gives a wrong example to people कि अगर हम ऐसा कुछ बनाएंगे तो हम famous हो जाएंगे, because it takes a lot of hard work to reach there. And if you talk about eligibility, then he is not eligible. But if he is entertaining people, then it's fine. अब आजकल तो हर कोई entertain कर लेता है तो. Thank you so much. Thank you. Okay. हर अवार्ड्स के लिए एक्साइटमेंट होती है. इट्स लाइक अ प्राइज फॉर ऑल योर हार्ड वर्क. जितनी भी मेहनत करते हैं सब लोग उनको उनके लिए एक अवार्ड है. तो इसका श्रेय जाता है पूरी टीम को, एंड टीवी की टीम को, एडिट टू की टीम को, हमारे टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको, और ऑफ कोर्स ऑडियंस जो इसको सहराती है. थैंक यू सो मच. मेरा तो एब्सोल्युटली अनप्लान्ड था बिकॉज मुझे लगा नहीं था कि हम लोग को शूट से थोड़ा जल्दी छूटेगा. तो दिस जस्ट हैपन इंस्टेंटली. वेल मुझे तो पारस ने कॉल कर करके परेशान कर दिया था. सो आई हैड टू मेक श्योर दैट आई गॉट हियर. तो ऑफकोर्स अच्छा लग रहा है और आप सबको देख के भी अच्छा लग रहा है. एंड टुडे ऑफकोर्स नायरा एंड आई हैव कम आउट टुगेदर आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम. सो आई थिंक इट विल बी नाइस एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. my God. I think we have a kick-ass team. Our staff is really good. And I think TV karte karte aadat pad jati hai shayad. You know, wo fatafat ready hone ke liye. Yeah. Oh my God. Yes. I mean, she's unique. Her style. She just looks stunning in everything she wears. I think कपड़े तो हैं पर उनका जो confidence, body language, figure सब कुछ ही वो हम चुरा नहीं सकते. Okay, I get uncomfortable with compliments, guys. I hope हमें से सब actually awards सबको मिले तो बहुत ही बड़ी बात होगी क्योंकि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं. People are liking it and और क्या चाहिए हमें, like if we are able to entertain everyone, that's what I think. मुझे भी लगता है like Naira said कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं. I think क्योंकि दिव्य दृष्टि में सब कुछ combined है, you know, it's supernatural, it's magic, it's romance, fantasy. It's everything, fantasy together. So I guess, हाँ, एक तो हमें करने को सब कुछ मिल रहा है and action, so much action every day. Yeah. So I think awards तो मिलने चाहिए. Yes. I think I'm not getting any time to watch TV, yeah, honestly speaking. Pack up इतना late होता है. I don't have a social life. Well, मुझे तो updates set के co-actors से मिलते हैं. कुशाक हमारे set पे जो बहुत ही active है Big Boss telecast को लेकर. तो वहाँ से कुछ updates मिलते रहते हैं. Frankly, मैंने भी ऐसे diligently follow नहीं किया उसको. But हाँ सुना है कि काफी exciting है. कौन आया? Oh, I think exciting ही होना चाहिए क्योंकि wild card entries usually थोड़ी unpredictable होती हैं और कुछ spicy add करती हैं. So I think मज़ा आना चाहिए, especially Shefali. I think we haven't seen her on screen for a long time. She recently did a web series. She was very pretty in that. हाँ, she is stunning. In fact, you know, with Shefali, I have a long time memory. So I was a Gladrags participant और Shefali ने वहाँ पर आके वो कांटा लगा पर perform किया था. Oh my God. So I had one of those, you know, starry moments with Shefali. So good to see her. And I think she looks great. Yeah, she's really maintained herself. Yes. Any? Shefali ka? One, I think, एक तो उनकी उनका जो वो song था कांटा लगा, I think it was such a trademark कि I don't think उनको कोई भूल सकता है. और दूसरा मतलब इतने टाइम तक भी इंडस्ट्री में not actively involved रहकर एक presence रखना, I think it's a very strong point. I mean, कभी भी ऐसा नहीं हुआ that we are like who Shefali? We all know who Shefali is. Everybody knows. So I think that's her strong point. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thanks. वो तो ले लूँ. अच्छा, तो यहाँ रख सकते हैं इसको. चलो. So I styled it my way, okay, so this is Kanika Maan's style. एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट क्योंकि मैं डेली अपने आप को गुड्डन के बहुत सारे रूप हैं उसमें देख रही थी, तो मुझे लगा कुछ तो अलग किया जाए। मेरी आंखें एक्चुअली चाह रही थी कि कुछ तो डिफरेंट किया जाए। सो या आई ट्राइड समथिंग एल्स। आई डोंट नो वो कैसा लग रहा है, बट या आई ट्राइड इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे रे रे, सो फिटनेस का राज ये है कि मैं दिन में 4 बार खाना खाती हूँ, एक्सरसाइज कभी नहीं करती हूँ, एंड शूट पे से जाते ही सो जाती हूँ। सो दैट्स द ओनली राज। ओके, सो मेरी मम्मी ने 2-3 चीज़ें मुझे सिखाई जो मेरे आजकल सेट वाले बहुत नोटिस करके एंड दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग इट। सो एक है कि मैं खाना खाने के बाद पानी नहीं पीती हूँ। ये एक्चुअली एक अब पता नहीं मिथ कहेंगे कि क्या कहेंगे, बट हाँ ये हमारी पूरी फैमिली में फॉलो किया जाता है कि हम खाना खाने के बाद एटलीस्ट 1 घंटा पानी नहीं पीते हैं। एंड देन मैं खाना बहुत स्लो खाती हूँ जिसकी वजह से हमारा ½ एन आवर का ब्रेक जो है 1 आवर का हो चुका है। सो ओ माय गॉड, ये दोनों दुश्मन कैसे यहाँ पर। और लुक ब्लैक हमने कोऑर्डिनेट करके पहना, कुछ तो ये प्यार मोहब्बत है हम दोनों दुश्मनों की। Oh my gosh, she's looking hot. Oh my god, you're looking so hot. You're looking hot. Handsome boy, हमारा। अच्छा कर लो तो पहले। तुम्हारा हो गया? नहीं नहीं, तुम पहले करो। Together, what were you saying? I was telling them my fitness का राज। Oh, ये तो हमेशा से fit है ही, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, समोसे खाती है। एक्चुअली एक और राज है मेरी फिटनेस का, ये इन लोगों की जेलसी। ये लोग मुझसे इतना जेलस फील करते हैं कि ये दिन में 3 बार दाल मखनी ऑर्डर करके कैसे खा लेती है और फिर भी वैसी ही रहती है। और समोसे भी। अब ये इनकी जेलसी आई थिंक, वो कहीं वो ऐसे काली नजरें लग रही है। व्हाट व्हाट हाउ कम हाउ कम। सो या दैट्स द राज। सेकंड, अच्छा सेकंड थर्ड है कि मैं उठते ही खूब सारा पानी पीती हूँ, सो जो वो इधर कवर हो जाता है ना। और दूसरा, हाँ सेकंड मैंने बताया ना मैं बहुत तानाम आराम से खाना खाती हूँ। वो आधे घंटे का ब्रेक 1 घंटे का हो चुका है जिसकी वजह से सब लोग बहुत परेशान है कि बहन प्लीज़ जल्दी से आ जाए करो, हमारे सीन रुक रहा है। सो वो बहुत आराम से। और कई बार तो लोग बोलते हैं चिड़िया के जैसे क्यों खा रही हो। मतलब इसको खाने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है कि खा लो खा लो खा लो, ऐसा सीन ऐसे ऐसे यहाँ से आते आते। सो जी कोऑर्डिनेट बिल्कुल नहीं है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं थी हमारी, बट दिल का कनेक्शन है ना। काफी मैच कर रहा है, काफी मैच कर रहा है, प्रॉपर सब कुछ ही मैच कर रहा है। मतलब ऐसा लगेगा किसी को भी कि हम दोनों ने ऐसा, मतलब ऐसे वैसे हर बार ऐसा हो जाता है। पिछली बार भी हो गया था, ग्रीन ग्रीन हो गया था, इस बार गो ब्लैक हो गया ऐसे। हर अवार्ड शो पे ना मुझे लगता है सबकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम खूब सारे अवार्ड, सब सारे अवार्ड्स हम लेकर जाएंगे। जैसे हर गेम में जाते टाइम एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम ही ट्रॉफी लेकर आएंगे, ऐसे अवार्ड शो में भी होता है कि हाँ हम ही सब लेकर आएंगे। जैसे कभी कभी बहुत खुश होकर जाते हैं, कभी कभी मेरा ऐसा मानना है कि मतलब काम करना हमारा काम है। अवार्ड मिले तो सराहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब यू फील गुड कि आपको अवार्ड्स मिले। He is trying to be modest. No, I'm not trying to be modest because no, but it feels good when you get an award. But even if you don't get, that's okay. Of course, that's okay. That's completely okay. Yeah. But लेकिन मैं पूरी excited रहती हूँ last तक। Sorry. अच्छा उस पे इनकी बात। कनिका कनिका जी 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 कहिए खालिद। सो मेरे को ऑफकोर्स रेहान की लुक्स बहुत अमेजिंग लगती है, ऑफकोर्स एज पर्व भी बहुत अमेजिंग। आई थिंक एज रेहान ही वो हमेशा अमेजिंग लगता है, लेकिन ऑफकोर्स एज पर्व बहुत अमेजिंग। देन खालिद तो सुपर अमेजिंग। आई एम इन लव विद हिज लुक्स एंड ऑफकोर्स द वर्क ही इज़ डूइंग। सो एज एन एक्टर ही गिव्स हिज 200% ऑन सेट। बहुत हार्ड वर्किंग है, लाइन्स में लगा लो एंड मैं ठीक है पर हर चीज़ को लेके ऐसे प्रिपेयर्ड होके आता है कि हाँ ओके दैट्स पर्व, दैट्स खालिद। सो एंड दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हर एंड माइन। इसका क्या है, इसको अगर आप 1 मिनट पहले भी सीन दे दो ना, विदाउट रिहर्सिंग विदाउट प्रैक्टिसिंग, शी डज इट अमेजिंग। आई हैव टोल्ड हर मेनी टाइम्स कि ये इतनी अच्छी परफॉर्मर है, मतलब आई फील जेलस ऑफ इट सीरियसली। बहुत सारी जेलसीज की वजह से ये पतली बिग बॉस में तो बहुत सारा फॉलो कर रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा। सो मैं बहुत सारा फॉलो कर रही हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त उसमें हैं। मेरी पंजाबी इंडस्ट्री के दोस्त हैं, शहनाज है, हिमांशी है, देन रश्मि देसाई गई है, अरहान गया है, देन हमारी दरजीत गई थी। सो या फेवरेट कौन है, कौन फेवरेट है? मैंने हालांकि जैसे मैंने कहा कि मैंने देखा बिल्कुल नहीं है, तो मतलब जैसे एक तो ओवरऑल घर पे चलता है तो कभी देख लिया हो तो उससे मुझे शहनाज काफ़ी अच्छी लगती है। So to be honest, yeah, she is playing very nice. I don't know what exactly. I don't know her personally, but then how she is playing. I know her a little bit, but yeah, वो बहुत अच्छा खेल रही है। I mean, she's playing amazing. So let's see क्या होता है. Thank you so much. Thank you for having us here. Thank you. आज एक्चुअली आज मैं नॉमिनेट हुई हूँ और मैं अपने इस अवार्ड शो के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हर अवार्ड शो में बहुत मज़ा आता है और हर अवार्ड शो बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। आई थिंक उसका आइडिया नहीं है मुझे, उसका आइडिया नहीं। एक्चुअली मैं शूट से आई हूँ तो मैं जल्दी से 10 मिनट्स में रेडी हुई हूँ और मैं अच्छे से भी रेडी नहीं हुई हूँ इवन, वरना मैं अच्छे से ड्रेसअप होकर आती है। वेलकम।